टाइम से एक ऐसा इदारा है वर्ल्ड वाइड जो है, वेयर द ड्रीम्स कम ट्रू, जहां लोगों के ख्वाब, और ख्वाब कैसे सच होते हैं, जब परफेक्ट सेल्समैन हूँ, जब परफेक्ट जो है लीडर, और लीडर जो है जब इकरार खान बलोच साहब जैसे लीडर हूँ, इनके अंदर तो एनर्जी बहुत ज़्यादा। इकरार खान बलोच साहब जैसे, मैं तो इन्हें कहूँगा उस्ताद हाजिक, इकरार खान बलोच साहब जैसे उस्ताद हाजिक हूँ, और अजहर मलिक साहब जैसे लीडर हूँ, यूसुफ सुल्तानी साहब जैसे लीडर हूँ, यहाँ टाइम से ऐसा इदारा है जहाँ टीचर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, और टीचर्स की रिस्पेक्ट से आप भी आगे बढ़े हैं। यकीनन आपने भी कल को टीचर्स होना है, और मैं जो आमिर रज़ा को भाया जो आज तक आगे बढ़ा है, तो मैं इन जैसे उस्तादों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जिसने वालदैन और असातिज़ा का अदब किया उसकी औलाद मुअद्दब होगी, नहीं तो नहीं। जिसने बात, बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिसने वालदैन और असातिज़ा का अदब किया उसकी औलाद मुअद्दब होगी, नहीं तो नहीं। तो मैं जो पढ़ा हूँ, मैं भी अपनी असातिज़ा की हौसला अफजाई से आगे पढ़ा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म के हर मौजू पर मेरे लेक्चर्स हैं, और मेरी थाउजेंड्स लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल है आमिर उभाया के नाम से। तो आज मैंने एक छोटी सी शायरी तैयार की है आपके लिए कि असातिज़ा का रिस्पेक्ट कर टीचर, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो वीडियो चला दें, वीडियो क्लिप है, छोटा सा है। आपका खादिम हकीम आमिर रज़ा उभाया, मदीनतुल औलिया मुल्तान पाकिस्तान से, जितने मेरे चाहने वाले रोज़ाना मेरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लेक्चर सुनते हैं, ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले, मेरे चाहने वाले जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी जो तिब्बे नबी की जो बातें हैं उस पर भी अमल किया, मोटिवेशन लेक्चर भी सुनते हैं, यानी जैसे आप जानते हैं इल्म के हर मौजू पर लेक्चर मौजूद हैं। मैं यूथ को पैगाम देना चाहता हूँ, और पूरी दुनिया के ख़वातीनों हज़रात को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबा में उस्ताद मौजूद हैं। पेरेंट्स के बाद जो तरबियत आप भी करते हैं, दीनी तरबियत भी करते हैं, दुनियावी तरबियत भी करते हैं, दीनी इल्म भी आपको देते हैं, दुनियावी इल्म भी देते हैं, वो है असातिज़ा किराम। अपने असातिज़ा किराम की अहमियत को उजागर कीजिए, अपने असातिज़ा किराम को रिस्पेक्ट दीजिए, एहतराम दीजिए, इज्जत दीजिए। शेर कहते हैं, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, इन्हीं से अफराद ज़्याबार हमारे, जीने का सलीका भी हमें इनसे मिला है, एहसासे अमन फिक्र भी इन्हीं की अता है, इन्हीं की है तालीम जो इरफान खुदा है, इन्हीं से मुअत्तर हुए अफकार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, तारीख उड़ाएं तो ये राह सजाएं,
اسرار دو عالم میں یہ پردوں کو اٹھائیں, سوئی ہوئی قوموں میں یہ ہمت کو جگائیں, رہبر بھی یہ, ہمدم بھی یہ, غم خار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں, معمار ہمارے. ایک نور کا مینار اب سہل دریا, ایک مشل بیدار سر وادی صحرا, ہے ظلمت آفاق کا بس ایک ستارہ, ہے دست نگراں کے ہی شاکار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں, معمار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں, معمار ہمارے, انہیں سے ہیں افراد زیاد پار ہمارے. اقرار صاحب ہمیشہ خود بھی خوبصورت ہیں اور دل کے بھی حسین ہیں, حضرت ملک صاحب بھی دل کے بھی حسین ہیں, اور یہ لوگ محنتی آدمی ہیں. حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کیونکہ جب لیڈر آپ کے جیسے ہوں گے اور ٹیم اچھی نہیں ہوگی, ٹیم ساتھ نہیں دے گی, ٹیم ساتھ نہیں دے گی تو کبھی لیڈرز کامیاب نہیں ہو سکتے. لیڈرز ہمیشہ ٹیم بناتے ہیں, اور جب لیڈرز ان جیسے ہوں تو ہمیشہ جو ہے ٹائم جیسے ادارے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا بات. حضرت آپ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, کامیاب ہو ہی رہے, ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں 2 سال پہلے جو ہے یہ کہتا تھا کہ یہ کمپنی جو ہے دھوکھا ہے, 1 سال پہلے بھی دھوکھا کہتا تھا میں, تو اگر یہ کہوں میں یہ کہتا تھا یہ کمپنی فراڈ ہے, تو 6 ماہ پہلے بھی یہی میں کہتا تھا, 3 ماہ پہلے بھی یہی کہتا تھا, 2 ماہ پہلے بھی میرے ذہن میں یہی تھا, لیکن پچھلے 1 ماہ سے میں لوگوں کو بتا, میرے پاس 2 مولانا صاحب آئے, وہ کہتے ہیں ٹائمز والے ہمارے پاس آئے ہیں, میں نے کہا آپ نہ جانا ان کے پاس, آپ یار اپنا نماز پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, آپ کس کام میں پڑھ رہے ہو؟ کہتے آپ کہتے تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں ہم نے آپ سے مشورہ کرنا تھا, آپ جو بات کہیں گے وہ ٹھیک ہو. تو اب جب مولانا صاحب آتے ہیں تو میں نے کہا جتنے بھی نمازی ہیں مسجد میں اعلان کرائیں, اقرار بلوچ صاحب کا وہاں لیکچر کروائیں مسجد. پچھلے دنوں ملک ادر صاحب سے ملوایا, ایس ایس پی ہیں اسپیشل برانچ کے, میرے دوست ہیں, مہربان ہیں, چودھری شریف سفر صاحب, تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ ٹائمز کمپنی کا آپ نے نام سنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فراڈ ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ 100% کہہ رہے ہیں, میں 120% کہہ رہا ہوں, لیکن 2 منٹ آپ میری بات سن لیں گے؟ کہتے عامر بھائی آپ کی بات یقیناً ٹھیک ہوگی, آپ بات کیجیے. میں نے کہا جی میں بھی یہی کہتا تھا, ان کی مشین بی سی ایم اور ایکولائز, ابھی آپ کو میں ایکولائز لگاتا ہوں, ایکولائز مشین, ایکولائز لائف ہے, ایکولائز لائف. میں نے کبھی آپ کو جو ڈاکٹرز بڑے بڑے نہ بتا سکیں, حکیم بڑے, حکما اطباء بڑے بڑے نہ بتا سکیں, وہ آپ کو یہ مشین بتائے کہ آپ کو کیا حالت ہے. وہ فرماتے ہیں لگائیں جناب مشین, میں نے مشین لگائی, مشین نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہاں یہاں آپ کو یہ امراض ہے. میں نے کہا یہ مشین کا پرنٹ ہے چائنا کا, یہ اردو میں بھی کل ملک ادر صاحب نے بھجوایا ہے, میں نے کہا یہ آپ کو مسائل ہے. کہتے بات تو ٹھیک ہے, تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, پھر میں نے ان کو گائڈ کیا, میں نے کہا بی سی ایم کا تھراپی ہے, ابھی تشریف لے جائیں, ساتھ میں ہم نے رکھی ہوئی ہے, میں نے بھی بی سی ایم رکھی ہوئی ہے, کو لائف رکھی ہوئی ہے اور اوزون مشین رکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں فرق ہوا؟ کہتے فرق تو ہے. میں نے کہا یہ ٹائمز نے مجھے دیے, میں نے 1,10,000 میں پرچیز کی.
टाइम्स की धारा गलत नहीं है, टाइम्स के अंदर जो मेहनती लोग हैं वो भी गलत नहीं है। एक बंदा अखबार के दफ्तर के बाहर खड़ा हो और वो ये कहे मेरा नवाए वक्त की खबरें से तल्लुक है, मुझे आप इश्तहार दे दें 5,000 का, कल आपका इश्तहार लगा होगा, तो हम अखबार के दफ्तर में तो नहीं गए। एक बंदा थाने के बाहर खड़ा हो गया, मेरा सीपीओ मेरा दोस्त है, सीपीओ ऑफिस के बाहर, तो मेरा उससे तल्लुक है, ये फोटो भी है जनाब, तस्वीर लगी हुई फेसबुक पे और मेरा बड़ा तल्लुक है, तो आपका काम करवा दूंगा, आप ऐसा करें कि फला मेरा काम कर दें इतने पैसों का है, तो उससे क्या अपना जो ना आप सीपीओ साहब से या टीएसपी से मिले हैं मुतल कर दें। तो ये इदारा भी ऐसे ही है, स्टेट लाइफ इदारा गलत नहीं है, किसी को आप पॉलिसी दे दें वो पॉलिसी जमा ना कराए तो उसमें इदारे का कसूर तो नहीं है, उसने उस बंदे पर इतमाद किया, तो इदारा मैंने कहा गलत नहीं है, इदारा बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ हूँ। कहते जी मैं भी मुतमैन हूँ। इतनी देर मलिक अजहर साहब को मैंने फ़ोन कर लिया, मैंने कहा आप आए चौधरी शरीफ सफर साहब से आपको मिलवा दिए, तो जब वो आए कहते आमिर भाई ना आपका सही वकील है, ये डिफेंड करता है आपको। मैंने कहा डिफेंड नहीं, आप हकीकत की बात करें, हकीकत क्या है? कहते आमिर भाई ने जो बात की है वो ठीक और दुरुस्त है, मेरे जहन में भी खदशात थे, क्योंकि दूर से जो हम लोगों के बारे में राय कायम करते हैं ना वो राय गलत कायम करते हैं। तो मेरा ये अभी कल मैंने बात की, मेरे दोस्त हैं इधर प्रोफेसर एकेडमी है, प्रोफेसर मौसम साहब, मौसम शहजाद लिब्स यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं वो, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्योंकि आज और कल यानी आज ट्यूसडे है कल वेडनेसडे है, मेरा बीज एडियू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना था, पिछले हफ्ते में अलीद हो गया, बीमार हो गया, मुझे गले का मसला हुआ, तो मेरे कोई 30,000 लग गए अद्वियात पे। मुझे फिर ख्याल आया कल मलिक अजहर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे मेरे पास उजू मशीन होती तो मैं इस 30,000 से बच जाता, लेकिन 30 करोड़ का साथ में मुझे नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो सेहत आपकी ख़राब होती है वो फिर दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपका इदारा काम कर रहा है, वो प्रिवेंशन की ओर पर काम कर रहा है कि लोग अमराज से बचें, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचें। आज इंसान का खाना भी जहर है, इंसान का पीना भी जहर है, इंसान की दवाई भी जहर खा रहे हैं। खाना क्या जहर खा रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं हम केमिकल की खुराक खा रहे हैं। आप कराची से पेशावर तक चलें, बैर लिखा होगा दुकान दूध की दुकान पे, हाजा मिन फजल रब्बी, और वहाँ एक पाव आपको दूध खाने से मिलेगा कराची से पेशावर। आपको हल्दी असल नहीं मिलेगी, आपको चीनी में मिलावट मिलेगी, आपको आटे में मिलावट मिलेगी, आपको हर चीज में मिलावट मिलेगी। आप इस वजह से मैं और आप बीमार हो रहे हैं क्योंकि हमें नेचुरल खुराक भी नहीं मिलता, और अल्लाह ने फरमाया है कुरान में फम बतना फी हब्बा फल यंतुर इंसान और इलाका आमिल, फिर जरा इंसान अपने खाने ही को देखते, तरह तरह की नियमते अल्लाह ने पैदा किया, अन्ना सबब नल मा सबा, फिर अपने ऊपर से खूब पानी बरसाया अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, सुम्मा शकत नल अर्जा शक्का, फिर हमने ज़मीन को अजीब तरह फाड़ा, यानी हम एक बीज डालते हैं और ज़मीन उस बीज को फाड़ देती है, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं फम बतना फी हब्बा, और तरह तरह के अनाज उगाए, वही नबा व कस्बा, और अंगूर और सब्जियाँ, व जैतून व नखला, और खजूर और जैतून, वहदाई का गुलबा, और घने घने बागान, वफा कहता हूँ अब्बा, और मेवा और चारा, ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया है, लेकिन हम नेचुरली से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसे में क्या है कि टाइम्स आपको प्रिवेंशन की ओर के जो मेडिसन दे रही है वो यकीनन ठीक और दुरुस्त हैं। मैं भी दिख रहा हूँ ये आमिर उभाया जो टाइम्स को गलत समझता था, आज टाइम्स के इदारे के साथ खड़ा है, टाइम्स के लोगों के साथ खड़ा है। तो बात हो रही थी दोस्त मौसम शहजाद साहब के हवाले से, वो लिब्स यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, तो मैंने उनसे कहा भी कंपनी का नाम सुना है, जैसे मेरे पहले अल्फाज से उन्होंने भी यही राय कैम की, मैंने कहा फिर आप आमिर उभाया को
सेटिस्फाइड करना इतना आसान काम नहीं है। आमिर भाई आपका दोस्त सेटिस्फाइड हो गया, बस आप क्योंकि आज ट्यूजडे और वेडनेसडे है, यानी मेरा लेक्चर होना था वहाँ यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, तो फिर अगले हफ्ते पे चला गया। पिछले हफ्ते था तो मैं बीमार हो गया, तो मैंने कहा ये ट्यूजडे और संडे सॉरी ट्यूजडे और वेडनेसडे है, तो इन दो दिनों में आप करवाइए। तो कहते हैं आज शाम को इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा कल का, तो मैंने कहा लेक्चर करवाना है ग्राहक अनुरोध साहब का, इकरार खान फरोज साहब का मैं आपने लेक्चर करवाना है। आप पहले अपनी एकेडमी में करवाइए, उसमें खवातीन भी हैं, यूथ के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो हम सारे सुनेंगे लेक्चर, इनका लेक्चर यकीनन जो है ना 101% ठीक होगा और अपनी अद्वियात के हवाले से होगा, टाइम्स के इदारे के हवाले से होगा, प्रिवेंशन क्योर के हवाले से होगा। मैंने कहा आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप इनके इल्म से भी फायदा उठाएंगे, तो उन्होंने इस बात पे इत्तफाक कर लिया। खूबसूरत लोगों की बात करते हैं, गाड़ी भी खूबसूरत, खुद भी खूबसूरत और माशाल्लाह गुफ्तगू भी खूबसूरत, तो मैं फिर से जुमला रिपीट करता हूँ। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं बाय एयर जो है कराची से क्वेटा जा रहा था, तो एक खूबरू हसीना जो है बहुत हसीन लड़की जो है मेरे साथ वाली सीट पर थी, मैं उससे इस तरह इम्प्रेस था, मैंने कहा ये मुझसे बात भी नहीं करेगी, ये कोई बैरोक्रेट है या बहुत ज़्यादा तालीम थी उसकी, तो जैसे फ्लैट चली अगले 5 मिनट बाद जो है मेरे साथ घुल मिल गई, जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम 1 घंटे का सफ़र था कराची से क्वेटा बाय एयर जो है। बहुत अहम बात है हजरत जी, वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं हमारे साथ खाना भी खाएं इंशाल्लाह फायदा होगा, नमाज भी पढ़ो फायदा होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। तालिब इल्म जो है ना, ये तालिब इल्म आपकी हौसला अफजाई से आगे बढ़ाए, अगर आपकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो तालिब इल्म भी आगे कभी ना बढ़ सकता, और यहाँ टाइम में जो रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ आपकी बीवी रिस्पेक्ट ना करे, आपके बच्चे रिस्पेक्ट ना करें, आपके दोस्त रिस्पेक्ट ना करें, टाइम में जब आए तो उनकी आपकी रिस्पेक्ट करना उनकी मजबूरी बन जाता है। अगले 55 मिनट का सफर जो था वो टस से मस्त थी, उनकी इंग्लिश की अच्छी थी कि मैं टाइम्स में हूँ, 1.25 साल पहले मैं PhD किया है, मैंने MA इंग्लिश भी किया है, मैं एक रेस्टोरेंट होटल था कराची में, वहाँ एज ए रिसेप्शनिस्ट की कोई 18 से 25 हज़ार की मैं जॉब कर रही थी, मैंने वो जॉब रिजेक्ट की, मैं तरह तरह वो मुख्तलिफ इदारों में अप्लाई भी किया, लेकिन क्योंकि मैं गरीब घराने से थी, मेरे वालदैन ने सारा कुछ बेचकर जो है मुझे आला तालीम दिलवाई, लेकिन जॉब जो है अब मैं रसीदें तो लेकर फिर रही थी लाखों रुपए की डिग्रियों की रसीदें, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मुझे किसी ने टाइम्स का बताया, तो आज बाय एयर जो सफ़र कर रही हूँ, मेरी तकरीबन 6 माह पहले शादी भी हुई है, और शादी के बाद जो है मुझे अल्लाह ने गाड़ी भी दी है, घर भी दिया है, और इस दौरान जो है मैंने छोटे भाई की शादी भी की है, ये सारा कुछ जो है मुझे टाइम की वजह से।
ये सारा कुछ वो खातून कहने लगी, ये सारा कुछ जो इस टैंक की वजह से मिला है, इससे पहले तो हमने कभी ख्वाब देखे नहीं थे। फिर से जुमला उन्होंने भी यही कहा कि टाइम्स एक ऐसा इदारा है वेयर द ड्रीम्स कम्स ट्रू, जहाँ जैसे अभी से स्टार्ट हुए। तो बहुत बड़ी बात कहने लगा, बहुत बड़ी बात। इस बात को जो है आज का हेडिंग बना लीजिए, हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं हर फर्द के दिल में कौम की खिदमत पर जज्बा होना चाहिए। जज्बा नियत से है, नियत के लिए इल्म है, इल्म के लिए अमल है, अमल के लिए मैदान अमल है, और मैदान अमल में शरीक अमल नेक नियत दो हूँ तो अंजाम अमल सही होगा। हम सफर हम ख्याल ना हो तो कामयाबी ना होगी। अब जो है यहाँ से जब हम फ्री होंगे तो फिर अकेले में मीटिंग करेंगे, और हमारे जो उस्ताद हाजिर हैं इकरार खान बुरोज साहब, इनकी सरपरस्ती में जो है ये मुझे बताएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं मेरे पास BCM और एकोलाइफ जो है, एकोलाइफ के बारे में जो है परसों मेरे पास एक डॉक्टर आया, कल मेरे पास एक MBBS आया, और कल आज सुबह सुबह जो है एक बहुत बड़े तबीब हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा भी काम नहीं चलता। इस दौरान जो है यानी 6-7 दिनों के अंदर मेरे पास 3 डॉक्टर्स आए, यानी 2 डिस्पेंसर डॉक्टर्स और एक MBBS। MBBS कहता है जी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, और फिर मैंने जो है मेरिट पर जो है टॉप किया, और फिर उसके बाद हाउस जॉब के बाद अब प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, मरीज मेरे पास नहीं आता। तो मैंने कहा आप 2 चीज़ें रख लें, फिलहाल तो मैं 2 चीज़ें रख के बैठा हूँ, एक तो BCM, आप पहले इसकी थेरापी लें मोटापा कम करने के लिए, चेस्ट पेन के लिए, फालिज के लिए। जैसे फिरोज साहब ने फरमाया कि 2 लाख जो है अपाज होते हैं,
यकीनन ये 101 फीसद बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो इस बात पे इनकी तारीफ करता हूँ कि फादे जैसे लकवा जैसे खतरनाक अमराज से हम बच सकते हैं जब पीसीएम मशीन हमारे घरों में मौजूद। क्या बात भाई हम तो यही रखेंगे अभी मंगवा लें। वो 41,000 कुछ रुपए की जो है मैंने मलिक अजहर साहब को फ़ोन किया कि 3 आप भिजवा दें। वो कल जो है डॉक्टर का फ़ोन आया कि वो मेरे पास पहले दिन जो है 3 मरीज आए, दूसरे दिन वो 3 जो है 9 लेकर मरीज आए। क्या बात है, अल्ट्रासाउंड रुपए। एक लाइफ जो है मशीन जो है वो मैंने उनको 3 दिलवाई और बड़े खुश हैं कि ये जो 41,000 समथिंग आपने बताइए, यूं समझिए हमने 41 रुपए के लिए, हमारे पास तो 3 मरीज आ जाए हम पैसे पूरा कर लेंगे। तो मैं आज आखिरी बात करते हुए, क्योंकि आप थक चुके हैं फिर कभी आता नहीं चाह, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। और इस सेहत पर कोई आपको फोन करता है, आप किसी को फोन करते हैं, सबसे पहली बात सेहत की होती है। जी सर, मैं पिछले हफ्ता जो बीमार था मैंने कहा कि 30,000 मेरा लगा है अद्वियात पर और तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल की और पिछले 10 साल में मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं की अपनी बीमारी। लेकिन जब बीमार था तो मैं 4 दिन जो है घर में रहा। तो सेहत से बड़ी कोई नेमत ही नहीं है, सेहत का कोई नेम और बदल नहीं है। इसलिए आप जो है जो प्रिवेंशन की और जो मेडिसिन है ये सबसे अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल करें। मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत अहम बात करने लगा हूँ। बहुत अहम बात ये कि आप लोग मैन ऑफ डिसिप्लिन है, यहाँ जो डिसिप्लिन जो प्यार जो मोहब्बत जो खलूस मिलता है एक दूसरे को, कोई पेशावर से आया हुआ है, कोई कराची से आया हुआ है, कोई मद्दान से आया हुआ है, कोई गिलगित से आया हुआ है, कोई सरकद्दू से आया हुआ है, कोई जो है अपना मानसहरा से आया हुआ है जनाब, कोई इस्लामाबाद पिट्टी फैसलाबाद ओखाड़ा लाहौर मुजफ्फरगढ़, ये सारे आपके अपने हैं। ये कैसे कि अपना जो है ना आप एक दूसरे को मोहब्बतें बांटते हैं, ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग में शामिल है। और 1,000 लेकर पिछले दिनों मीडिया के ब्लैक मिरर लोग भी होते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कोई ब्लैक मिरर लोग भी होते हैं जिनका काम नहीं चलता ना, वो कहते हैं चलो कल की बात है। मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, मेज़बानी उन्होंने की, तो एक बंदे ने फेसबुक पे देखा व्हाट्सएप पे कि आमिर रजा को पाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उन्होंने इस्लामाबाद और गौरपुर और हाईकोर्ट मुल्तान में भी अपना मेरे लेक्चर्स को फरमाया कि लेक्चर्स फौरी तौर पे करवाए जाए। तो एक अखबार वाले ने ना खबर देखी, मैंने उससे रब्ता नहीं किया, मैंने कि अखबार आज अखबार को पढ़ता ही कोई नहीं है,
कोई भाई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतने चैनल आ गए हैं, कोई अहमियत नहीं देता। तो मैंने उससे रब्ता करना मुनासिब नहीं समझा। नंबर मेरे पास फिट था, पिछले 8 माह से इश्तिहार लेने आया था, तो मैंने उससे मिलना पसंद ही नहीं किया। तो उसने ना अगले दिन खबर लाई कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं जनाब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ फोटो और मेरी खबर लगा दी। मैंने फिर भी उससे रब्ता नहीं किया। मैंने कहा मैं क्या रब्ता करूँ, इसका अखबार बेचारे का चल नहीं रहा, इसने सस्ती शोहरत देखते हुए आमिर उबाया की ये तस्वीर लगाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नाम पे जो है वो खबर लगा दी अपनी अखबार को बेचने के लिए। तो ऐसे भी होते हैं। पिछले दिनों कुछ मीडिया के लोग थे जो ये चाह रहे थे हमें कुछ 4-8 आने मिल जाए। इकरार साहब ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया और ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू की, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम रहते हैं। तो इन्होंने बड़ी दलील से बात की, तो अपना मौका भी उन्होंने पेश किया, आखिर उन्होंने घुटने टेक दिए, कि जनाब इनकी बात ठीक है, अपने मौका पे कायम है। और शेर कहते हैं मैं झुका नहीं मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सबों में तलाश है। इन्होंने फरमाया कि 1000 जो है, कहते हैं चलो इसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं, ये हमारा फ्री हो जाएगा। यानी ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये 5 दिन में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, ये बड़े बड़े इदारों में जो है जहाँ लाखों रुपए हम एडवांस फीस भरते हैं, वहाँ बंदा इतना नहीं सीखता जितना 5 दिनों में यहाँ सीखता है। मैं इस बात पर आपके टीचर्स को और आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आखिरी बात करते हुए मेरा नंबर भी आप लिखना चाहें, रोजाना आपको वीडियो मिलती रहेगी, 03-02-20-99-822। और आपको ये भी मालूम होता रहेगा कि आज इकरार खान बुरोज साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं, कौन से कॉलेज में दे रहे हैं, रोजाना आपको अपडेट मिलती रहेगी। 03-02-20-99-822 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यूट्यूब चैनल है आमिर उबाया के नाम से, वहाँ इल्म के हर मौजू पर जो है लेक्चर्स मौजूद हैं। और आप आगे बढ़ें, आप यूथ हैं, और यूथ कैसे आगे बढ़ेगी, जब जो है टाइम्स के परफेक्ट सेल्समैन बनेंगे और
एक दानिश्वर कहते हैं वो लोग जो कामयाब हो गए ना, जैसे डॉक्टर जमीर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ मुदस्सर साहब हैं, एहसन साहब हैं और इधर ये नौजवान हैं और मुझे नाम तो भी याद नहीं इतना का, ये पुराने जो सारे लीडर्स देख रहा हूँ ये बड़े परफेक्ट लीडर्स हैं और आगे जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, अगर टाइम्स के टाइम्स में जो है रह कर जो है आप परफेक्ट सेल्समैन बने और टाइम्स का इदारा मैं समझता हूँ इस तरह जारी और सारी काम रहे, तो यकीनन जो है मुल्क के कर्जे भी उतार सकता है। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुतबतुल आखिरी बात करते हुए हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुतबतुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन बुनियतुत तालिबीन बुरहान अल वासिलीन। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा। इतनी वैल्यूड गुफ्तगू की, इतनी इल्मी अदबी गुफ्तगू की, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इनकी बातों पे अमल किया करें। अगर आप अपने ख्वाबों की अर्ली फुलफिलमेंट चाहते हैं तो अकीम साहब की इतनी विजडम वाली बातों पे आप जरूर अमल करें। एक मतलब भरपूर तरीके से थैंक गिविंग एटीट्यूड शो करते हुए हम अकीम साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग करेंगे। Okay.